हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरु मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। आई एम योर एजुकेटर निधि दुआ और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ गेट एग्ज़ाम के लिए। सो बेसिकली गाइस, दिस इज़ आवर केमिस्ट्री सिलेबस फॉर गेट एग्ज़ाम। अब तक हमने सेक्शन 1 देखा था जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, और अब हम स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है हमारा सेक्शन 2। स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ टॉपिक्स के नाम दिख रहे हैं। ये टॉपिक्स आपके सेक्शन 1 के अंदर थे जिसके अंदर हमने ये सारे टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपने अब तक अगर सेक्शन 1 स्टडी नहीं किया है तो पहले जाके आप सेक्शन 1 स्टडी करें। और अब हम हमारा सेक्शन 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन 2 के अंदर भी हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्ड। सो बेसिकली केमिकल बॉन्ड एक फोर्स होता है जो कि दो या दो से ज़्यादा एटम्स के बीच में लगता है। ये फोर्स किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा एटम्स के बीच में लगेगा एक स्टेबल मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं ये बॉन्ड रिजल्ट होता है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स का जो कि अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में लगते हैं। और ये फोर्स हमेशा दो या दो से ज़्यादा एटम्स के बीच में लगेगा जिसके अंदर रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रॉन्स का, और उस फोर्स को कहा जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। डिक्रीज इन द एनर्जी स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड मीन्स अगर एनर्जी कम होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड ज़्यादा होगी, इसीलिए कहा जाता है मॉलिक्यूल्स स्टेबल होते हैं एटम्स से। नाउ दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। एज क्लासिफिकेशन आर मेजरली ऑफ टू टाइप्स। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो कि इंटर एटमिक होता है, एटम्स के बीच में लगता है, जिसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है 200 किलो जूल पर मोल। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के अंदर आपके चार टाइप के बॉन्ड आते हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। नेक्स्ट इज वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर होते हैं जिनकी एनर्जी होती है 2 to 3 किलो जूल पर मोल। और इस वीक बॉन्ड के अंदर आपके दो बॉन्ड आ जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैंडरवाल्स बॉन्ड। हम एक एक करके इन बॉन्ड्स को देखेंगे, पर सबसे पहले हमें ये देखना ज़रूरी है कि अगर किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो उस बॉन्ड का कॉज क्या है, क्यों एटम्स उसके नेटिव स्टेट में नहीं रहते, क्यों वो मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहला कॉज है टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी। आपको पता है जब किसी भी मॉलिक्यूल की एनर्जी कम होगी, जब किसी भी एटम की एनर्जी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी, उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसीलिए ये सबसे पहला कॉज है किसी भी केमिकल कॉम्बिनेशन का। सो बेसिकली जब भी दो एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो एक एटम का न्यूक्लियस अट्रैक्ट करता है इलेक्ट्रॉन को दूसरे एटम के तरफ से, और अगर नेट रिजल्ट अट्रैक्शन होता है तो टोटल एनर्जी जो होती है सिस्टम की, जो मॉलिक्यूल आपका फॉर्म हो रहा है, वो डिक्रीज हो जाती है और एक केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। सो बेसिकली अट्रैक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। मतलब अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी, और आपको पता है एनर्जी कम होगी तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। आई रिपीट, अगर किसी भी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है तो एनर्जी डिक्रीज होगी और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। ये फॉर्मूला बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये लर्न रखना है। अगर अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी और स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सेकंड है टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। आपको पता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे, किसी भी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट होगा, इसीलिए लिखा गया है एटम्स कंबाइंस टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स इन दी बॉन्ड फॉर्मेशन।
इनर्ट गैस एलिमेंट्स जो होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते क्योंकि उनके पास स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी कम होती है और वो स्टेबल रहते हैं। अब सबसे पहला बॉन्ड जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कोवेलेंट बॉन्ड। सो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको पहले भी बताया था म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा उस बॉन्ड को कहा जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड। और ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है हमेशा टू डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं HCl का। H एक एटम है, Cl एक एटम है, दोनों एटम मिलके फॉर्मेशन कर रहे हैं एक HCl मॉलिक्यूल का। H और Cl के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, इसी वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। एक नेसेसरी कंडीशन ये है कि ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन के पास अपोजिट स्पिन होना ज़रूरी है। आपने ये देख लिया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर, आपने चार रूल्स पढ़े थे, उन रूल्स की मदद से आपको पता है कि अपोजिट स्पिन किस रूल की मदद से हम लगा सकते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड के पास डायरेक्शनल कैरेक्टर भी होता है। नेक्स्ट इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में अकर इन थ्री वेज। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक मॉलिक्यूल बना रहा है तो वो शेयरिंग तीन तरीके से हो सकती है। सबसे पहला तरीका होता है कि अगर वो अपना एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, मतलब अगर वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो उसका मतलब है सिंगल बॉन्ड। गाइस ये इलेक्ट्रॉन पेयर है सेकंड नंबर वाला, और जो सबसे पहले आपको दिख रहा है ये दिख रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन टू एटम्स। सो बेसिकली अगर वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसके पास उसने अपने दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, मतलब कि एक एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहा है तो वो बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन एटम्स फोर हैं तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए टू और बॉन्ड आ गया डबल बॉन्ड। जैसे कि आपको दिख रहा है कार्बन कार्बन के बीच में अगर ये एक बॉन्ड लग रहा है और बॉन्ड को शो करते हैं हम एक स्ट्रेट लाइन से, तो ये आपको दिख रहा है ये एक सिंगल बॉन्ड है। ये जो इस लाइन के इधर है ये आपका एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन है, और ये एक पूरा बॉन्ड मिलके बना रहा है दो इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर कार्बन के बीच में चार इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब कि दो पेयर आ गए, तो इसका मतलब हो गया डबल बॉन्ड। और इसी तरीके से अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात की जाए तो तीन बॉन्ड आ जाएंगे, तीन लाइंस आ जाएंगी, और ये तीन लाइंस शो कर रही है थ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स या फिर सिक्स इलेक्ट्रॉन। एज यू कैन सी 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। अब आते हैं ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सो बेसिकली गाइस कोवेलेंट बॉन्ड को मॉलिक्यूलर बॉन्ड भी कहा जाता है क्योंकि ये बॉन्ड मॉलिक्यूल्स के बीच में फॉर्म हो रहा है। तो अब देखते हैं ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। सबसे पहला पॉइंट है वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट एट द मोस्ट टू इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन्स। ये पॉइंट आप पहले भी देख चुके हैं कि एक ऑर्बिटल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दो इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं जिनकी स्पिन्स का अपोजिट होना जरूरी है। हाफ फिल्ड ऑर्बिटल और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर एटम टू कंप्लीट इट्स ऑर्बिटल। आपको पता है अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल है तो वो एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है उसके ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए। टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑर्बिटल और टू पेयर द इलेक्ट्रॉन इज द असेंशियल कंडीशन फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपकी नेसेसरी कंडीशन है कि आपको
कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए या तो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की जरूरत है या फिर उसके ऑक्टेट को कंप्लीट करने की जरूरत है। कोवेलेंसी, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एटम ऑफ द एलिमेंट फॉर शेयरिंग विद अदर एटम्स टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। सो बेसिकली गाइस, कोवेलेंसी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और उसके पेनल्टीमेट शेल या फिर प्री पेनल्टीमेट शेल के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन जंप कर जाते हैं उसके एम्प्टी शेल के अंदर उसकी वैलेंसी को बढ़ाने के लिए। इसीलिए कहा गया है इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई एन ऐटम ऑफ द एलिमेंट फॉर शेयरिंग विद अदर एटम्स टू अचीव नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन। इफ द आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैज एम्प्टी ऑर्बिटल्स देन कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन द एक्साइटेड स्टेट। जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी आउटर मोस्ट शेल के अंदर जंप करते हैं तो उसे कहा जाता है उसकी एक्साइटेड स्टेट। ये पॉइंट भी आप पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट इज वेरिएबल वैलेंसी इन कोवेलेंट बॉन्डिंग। वेरिएबल वैलेंसी वो एलिमेंट्स शो करते हैं, वो एटम्स शो करते हैं जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। आपको ये याद रखना है, वेरिएबल वैलेंसी वही एलिमेंट्स शो करेंगे जिनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा उनके आउटर मोस्ट शेल के अंदर। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड प्रमोशन एनर्जी। जितनी भी एनर्जी रिक्वायर होगी एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल के अंदर जाने के लिए उसे कहा जाएगा प्रमोशन एनर्जी। और प्रमोशन रूल होता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिट, लेकिन ऑर्बिट का होना सेम है। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, आपको स्क्रीन पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल दिख रहे हैं। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया फॉस्फोरस का, हमने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, उसका ऑर्बिटल का डायग्राम बनाया, आपको दिख रहा है 3s और 3p के अंदर यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स का फुलफिलमेंट दिख रहा है। 3s के अंदर आपको दो इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं अपोजिटिवली स्पिन के अंदर, और 3p के अंदर आपको तीन इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं। अब आपको पता है हमने एक्साइटेड स्टेट बनाई फॉस्फोरस की, मतलब हमने 3d ऑर्बिटल 3p के बाद 3d ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किया। अब यहाँ पे आपको ग्राउंड स्टेट के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। अकॉर्डिंग टू प्रमोशन रूल हमें एक्साइटेड स्टेट के अंदर कोवेलेंसी बढ़ानी है, तो हमने ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जंप कराया 3d के अंदर। तो अब आपको दिख रहा है इसकी वैलेंसी पहले तो थी 3, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जितने भी होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1, 2, 3, 3 फॉस्फोरस की वैलेंसी थी। इसीलिए इसने जब एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया क्लोरीन एटम के साथ तो इसके पास बन गया PCl3 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जब ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर आया तो इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो इसकी कोवेलेंसी हो गई 5। इसीलिए फिर इसने जब इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग करके एक मॉलिक्यूल बनाया तो वो मॉलिक्यूल बना PCl5। इसीलिए कहा जाता है PCl3 और PCl5 दोनों ही नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। फिर आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है सल्फर का, जिसकी ग्राउंड स्टेट में जब आपने इसके ऑर्बिटल्स को फुलफिल किया तो आपको पता चला इसकी कोवेलेंसी आ रही थी 2, क्योंकि इसके पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब आपने फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बनाई, मतलब आपने एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को जंप कराया उसके कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल के अंदर, तो आपने देखा कि इसकी कोवेलेंसी हो गई 4, क्योंकि आपको दिख रहा है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया उसके ऑर्बिट दूसरे ऑर्बिटल के अंदर और इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसकी कोवेलेंसी हो गई 4। इसने जब बॉन्ड बनाया तो इसने F4 को चूज़ किया क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर हो गए। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के अंदर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अभी पेयर्ड है, इसने इसको भी जंप कराया तो इसकी कोवेलेंसी हो गई 6। यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन आएगा
3s, 3p and 3d. So the variable valency of sulfur is 2, 4 and 6. ऐसे ही आपको आयोडीन का भी देखना है. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल वैलेंसी. अब आपको पता चल चुका है कि वैलेंसी की मदद से हम ये देख सकते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल एक्जिस्ट करते हैं और कौन से मॉलिक्यूल एक्जिस्ट नहीं करते. सो बेसिकली अगर किसी मॉलिक्यूल को एग्जिस्ट करना है तो उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए ताकि उसके इलेक्ट्रॉन जंप कर पाएं, और उसके इलेक्ट्रॉन्स का पेयर्ड होना भी जरूरी है. सो बेसिकली नंबर वन पॉइंट इज टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स की एग्जिस्टेंस को बताने के लिए वैलेंसी का कॉन्सेप्ट लगाया जाता है. जैसे कि आपको दिख रहा है NCl3 एग्जिस्ट करेगा क्योंकि उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, जबकि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि नाइट्रोजन के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल नहीं है या फिर डी ऑर्बिटल है ही नहीं. इसी तरीके से आपने पिछली स्लाइड के अंदर देखा था PCl3 एंड PCl5 बोथ विल एग्जिस्ट क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल है. और इसी तरीके से OF2 एग्जिस्ट करेगा लेकिन OF4 एंड OF6 एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल नहीं है. डी ऑर्बिटल नहीं है तो उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो जंप नहीं कर पाएंगे. और सेकेंड पॉइंट इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ कंपाउंड. आपको यहाँ पे दो रिएक्शंस दिख रही हैं, CCl4 प्लस H2O, जिसके आगे लिखा हुआ है नो रिएक्शन अकर, क्योंकि कार्बन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होगा, डी ऑर्बिटल नहीं होगा, इसीलिए CCl4 और H2O के बीच में रिएक्शन नहीं हो पाएगी. और इसी तरीके से SI के पास होगा तो इसके बीच में रिएक्शन हो जाएगी. नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. कि कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हमने पढ़ तो लिया कि वो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, लेकिन इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं तो अभी हम वही देखने वाले हैं. सो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड की सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल स्टेट. कोवेलेंट बॉन्ड कंपाउंड्स आर फाउंड इन 3 स्टेट्स, गैस, सॉलिड एंड लिक्विड. आपको पता है किसी भी कंपाउंड के, किसी भी एटम्स की 3 स्टेट्स होती हैं, गैस, सॉलिड एंड लिक्विड. जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज होता है फिजिकल स्टेट भी चेंज होने लग जाती है. फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ हेलोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन की स्टेट होती है गैसियस, ब्रोमीन आपका लिक्विड स्टेट में पाया जाता है और आयोडीन और एंटीमनी आपके सॉलिड्स होते हैं. जैसे ही आप किसी भी ग्रुप के अंदर टॉप से बॉटम के अंदर मूव करेंगे, वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज होगा बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट इज कोवेलेंट सॉलिड. कोवेलेंट सॉलिड ऐसे एटम्स होते हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होते हैं और 3D स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करते हैं. इनके एग्जाम्पल आ जाते हैं डायमंड एंड ग्रेफाइट. तो कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी तक आपने फिजिकल स्टेट देख ली कि कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप की स्टेट्स में मिलते हैं. जैसे जैसे टॉप टू बॉटम आप आते हैं तो इनकी वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर जाता है और इनकी जो जैसे जैसे वेट इंक्रीज होगा इनकी फिजिकल स्टेट भी चेंज होती है. नेक्स्ट आपने देखा कोवेलेंट सॉलिड. नाउ थर्ड इज कंडक्टिविटी. मोस्ट कोवेलेंट कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, उनके अंदर से करंट पास नहीं करता क्योंकि उनका सेल्फ आयनाइजेशन हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल H2O एंड लिक्विड NH3. अगर कंडक्टिविटी तभी होगी जब ये आयंस फ्री होंगे, मतलब अगर ये सॉलिड फॉर्म में हैं तो इनके अंदर कंडक्टिविटी नहीं होगी. और एक्सेप्शन है, अगर फ्री आयंस नहीं है किसी भी एलिमेंट के पास तब भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है इन केस ऑफ ग्रेफाइट एंड HCl इन वाटर. ये आपको लर्न करना है. कंडक्टिविटी कभी भी सॉलिड्स के केस में नहीं होती जब तक कि उसके पास फ्री आयंस ना हो. अगर उसके पास फ्री आयंस हैं और उसका सेल्फ आयनाइजेशन हो रहा है, मतलब कि आयंस उसके टूट रहे हैं, तभी कंडक्टिविटी होगी. और एक्सेप्शन है ग्रेफाइट एंड HCl इन वाटर. नेक्स्ट पॉइंट इज सॉल्युबिलिटी. नॉन पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स.
नॉन पोलर कंपाउंड्स फॉर्म वैंडरवाल फोर्स विद नॉन पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर का मतलब सिंपली ये है कि जब भी किसी भी कंपाउंड को तोड़ा जाएगा तो उसके पास पानी नहीं होगा, मतलब उसके पास H2O मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे या फिर OH माइनस आयन या H प्लस आयन को वो तोड़ेगा नहीं, वो डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप C6H6 लेते हैं, बेंजीन लेते हैं, तो इसके पास कभी भी बेंजीन उसके कॉन्जिक्यूटिव आयन्स के अंदर नहीं टूटेगी, और अगर टूटेगी तो उसके अंदर आपको H2O, H प्लस या OH माइनस आयन्स का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का सिंपल मतलब होता है कि आपका फॉर्मूला सेम होना चाहिए, स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। कोवेलेंट बॉन्ड इज रिजिड एंड डायरेक्शनल, सो इट शोज और आइसोमेरिज्म, और आइसोमेरिज्म आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शो करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन। रिएक्शन, रिएक्शन बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड्स आर स्लो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कोवेलेंट कंपाउंड्स की रिएक्शन काफ़ी स्लो होती है, क्योंकि ये इन्वॉल्व करती है ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। आई होप गाइज नाउ यू ऑल आर क्लियर्ड अबाउट कोवेलेंट बॉन्डिंग। नाउ यू ऑल नो वॉट इज केमिकल बॉन्ड। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कोवेलेंट बॉन्ड, दिस वॉज ऑल अबाउट केमिकल बॉन्डिंग। नाउ इन केस इफ यू आर न्यू हेयर एट दिस प्लेटफॉर्म नेम्ड गुरुमंत्र शिक्षा का ग्रंथ, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आर टेलीग्राम चैनल, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट्स मिल जाते हैं कि आपके एग्जाम्स से रिलेटेड जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी आपके न्यू अपडेट्स आ रहे हैं। उसके अलावा आप हमारा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। For further queries, you can mail us on tanejaneha official@gmail.com या फिर आप हमें contact भी कर सकते हैं on the given number. Thank you very much guys. I hope you like the video.